Hello students, good morning. Once again I welcome you to in the today's science class. Beta, as you know, yesterday I told you about the average speed. Once again we revise this topic. No one vehicle moves with the constant speed during the journey. आपको पता है जब कोई भी vehicle move करता है तो किसी की भी constant speed नहीं होती है. मतलब कि कोई ऐसा नहीं होता है कि घर से आप जिस बैठे गाड़ी स्टार्ट की फर्स्ट टाइम जो स्पीड बनी वही पूरी जर्नी में रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से आपने मूविंग करना शुरू किया, किसी जगह ब्रेकर भी आते हैं, कभी स्लॉप भी आता है, कभी कुछ और भी आता है, तो किसी जगह पर हमको स्पीड कम करनी पड़ती है, किसी को ज्यादा करनी पड़ती है. तो पूरी जर्नी का जो भी आप निकालेंगे ना उसके लिए आपको एवरेज स्पीड से बात करनी पड़ेगी. सो नो वन व्हीकल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, द स्पीड ऑफ स्लो डाउन, सम टाइप स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी. सो डिटरमाइन हाउ फास्ट ए व्हीकल मूव्स, दैट इज द एवरेज ऑफ स्पीड इज कैलकुलेटेड. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. मतलब हम इसमें ये देखें कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हुई और कितने टाइम में कवर हुई, इसी बात को बोलते हम व्हाट्स द टोटल एवरेज स्पीड. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है. सुनिए, ए रनर कवर फर्स्ट हाफ मीटर, फर्स्ट 100 मीटर इन 10 सेकेंड एंड रिमेनिंग 100 मीटर इन 8 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. मतलब कि ये आपके पास में डिस्टेंस है, इसमें टोटल डिस्टेंस है आपके पास 200 मीटर, उसमें से फर्स्ट जो 100 मीटर कवर किया उसकी तो आपको स्पीड दे रख, सॉरी टाइमिंग दे रखा है, दैट इज द 10 सेकेंड. उसके बाद की जो कवर की उसका 100 मीटर का उसका टाइमिंग दे रखा है आपके पास, दैट इज द 8 सेकेंड. इतनी बात समझ आ रही है? तो इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस होगा. पहले अपन निकालेंगे टोटल डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, d1 प्लस d2 कर लेंगे. ये आपके पास 100 मीटर, ये 100 मीटर, और ऐसे करके आपके पास में 200 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी. कितनी बात समझ में आ गई? और उसके बाद होगा बेटा आपके पास टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 सेकेंड. सॉरी, यहां पर होगा आपके पास दैट इज द t1 प्लस t2. इसमें ध्यान से देखना, एक में 10 सेकेंड है, एक में 8 सेकेंड है, और आपके पास क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड टोटल टाइम हो गया. तो उसके बाद आप निकालेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वो आपके पास हो जाएगा दैट इज द 200 अपॉन 18. ये तो आपके पास में 200 और ये आपके पास में 18 सेकेंड, और इसको सॉल्व करेंगे यू आर गेटिंग 11 पॉइंट, दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड. ये होगी आपकी एवरेज स्पीड. इतनी बात समझ में आ गई आपको कि एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. उसके बाद आगे सुनिए,
इसी ये जो फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अगर सपोज करो आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड। इसका मतलब स्पीड से है, दैट इज मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। और अगर आपको टाइमिंग निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो ये वेरियस फॉर्मूलाज है यहां पर, और ये ध्यान रखना ये स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास स्पीड को कैलकुलेट करने का, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा और ये टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम दूसरी बात बता रहे हैं आपको, स्पीड मेजरिंग डिवाइस, मतलब कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, स्पीड मेजरिंग डिवाइस से क्या मतलब है, प्लीज लुक हियर, दैट इज द स्पीड मेजरिंग डिवाइस। स्पीड मेजरिंग डिवाइस। अब कभी आपने अगर अपनी बाइक का जो हेड होता है उसके ऊपर के मीटर को चेक किया हो तो ध्यान से देखना, हम ये बता रहे हैं आपको कि एक तो होता है आपके पास इस तरह का सर्कुलर पोर्शन, और यहां होता है बीच में एक नंबर लाइन, और यहां पर एक निडिल लगी होती है जो इस सर की स्केल पर मूव करती है। ध्यान से देखना, ये निडिल यहां पर आपको बताएगी 20, 30, 40, 50, 60, और यहां पर लिखा होता है किलोमीटर पर आर, और ये निडिल ये पॉइंटर इस तरह से मूव करता रहता है। तो कहने का मतलब स्पीड बताने वाला जो डिवाइस होगा इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, और बीच में यहां पर एक जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए नंबर्स चल रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। 1 meter from these has kilometer per hour written at one corner, it means that the speed directly in kilometer per hour, मतलब यहां पर जो भी आपकी स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर के अंदर आएगी। Another meter used to measure the distance moved by a vehicle, or that is known as the odometer. तो मेरी बात सुनना, इसमें स्पीड मेजर करने के लिए होता है स्पीडोमीटर, That is the, और इसके बाद अलग से इसी के अंदर सेटअप होता है बेटा, उस तरह के अंदर नंबर्स होते हैं, और जैसे ही आपका व्हील चलता जाता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा होता है, और इसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। और ओडोमीटर टोटल डिस्टेंस को मेजर करता है, प्लीज रिमेंबर स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड, स्पीड को मेजर करेगा, और जो ओडोमीटर होगा वो टोटल डिस्टेंस को कवर करेगा, दैट इज मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये इतनी सारी बात समझ में आई या नहीं? अब इसके बाद कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, दैट इज सम इंपॉर्टेंट साइंस बिट्स। इसमें फर्स्ट में आपके पास बात आ रही बेटा स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 30 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। और स्पीड ऑफ लाइट का ध्यान रखना आप, स्पीड ऑफ लाइट, और वो होगी आपके पास 300 मिलियन पर सेकेंड, दैट इज मिलियन मीटर पर सेकेंड। और एक और बात बता रहे हैं हम आपको,
nearly 2.6 million seconds in a month. Yes, now 1 month is equal to 2.6 million second. मिलियन सेकेंड, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद की बात बता रहे बेटा हम आपको, दैट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुनना और समझना। इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर थोड़ा सा हम बात बता दें आपको, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो मोशंस होती हैं, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स इट इज व्हाट इज सर यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखना क्या होता है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कवर्स, ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों केस में हम इसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और एक लास्ट बात बता रहे बेटा आपको, इफ वी नेक्स्ट नंबर दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है सुनिए आप, if we plot the graph of distance versus time for uniform motion and non uniform motion taking data from above mentioned time on x and y axis, then we are getting a straight line। मतलब आप एक तरफ तो यूनिफॉर्म स्पीड, ये इधर तो आपके पास हो जाएगा that is the time, और इधर हो जाएगा आपके पास में distance। अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आप ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर मतलब टाइम तो आपका इक्वल है यहां पर, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग कवर हो रही है और एक जिगजैग मोशन जैसा ग्राफ आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान से सुनना, एक डेफिनेशन बता रहा हूं, ए ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, दिस इज नॉन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।